अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले व्लॉग में बताया कि हम आपको जो है हमारे इस व्लॉग के अंदर फैसलाबाद का जो जनाह पार्क है उसका जो है ट्रैक विज़िट करवाते हैं। तो आएँ चलें, हम आपको फैसलाबाद का ट्रैक जो है विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे लोग जो है जॉगिंग वगैरह करने, रनिंग वगैरह करने जो है आते हैं सुबह और शाम के टाइम। फैमिलीज भी आती हैं, दोस्त भी आती हैं, कज़न्स भी आते हैं। हम आपको जो है फैसलाबाद का जो जनाह पार्क का ट्रैक है जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 2200 मीटर है और इसे आप रनिंग के दौरान जो है व्यूअर्स आप इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर जो है, अगर आप एक सेहतमंद 20-22 साल के जवान हैं तो आप इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। पूरा रोड है ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। ये देखें, ये ट्रैक है, सामने जो है मिराज त्यारे की तर्ज का एक डेकोरेशन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे जो है निस्ब किया गया है। ये देखें जी, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मेरे ख्याल से मिराज त्यारा है तो इसको ग्राउंड कर दिया गया था। ये जो है यहाँ पे निस्ब किया गया है डेकोरेशन के तौर पर और ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हमारे एक भाई बैठे हुए हैं जिनको हमने अपना जो है वेट चेक करवाया। तो ये जनाब पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। मिराज त्यारा बड़े ही अच्छे तर्ज के तौर पर जो है यहाँ पर निस्ब है। आप जब भी व्यूअर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब भी आए जना फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद का ये जो मशहूर पार्क है जनाह पार्क, इसको ज़रूर विज़िट करें। ये देखें व्यूअर्स, बड़े ही अच्छे तरीके से जो PHA के माली वगैरह हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो है इसकी जो दरख्त है इनकी कांट छांट की हुई है। ये देखें, ये चिड़ियों के लिए जो है घोंसले वगैरह बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे जो हैं, ये देखें आप सामने, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत ख्वातीन जो है सारे आते हैं। हम आपको जो है हमारे व्लॉग के अंदर जनाह पार्क का जो टोटल ट्रैक है इसका विज़िट करवाएंगे। इसके इर्द गिर्द जो है ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, मुख्तलिफ़ इकसाम के मुख्तलिफ़ नयाब जो पौधे हैं, दरख्त हैं। ये सामने देखें व्यूअर्स, हमारा बड़ा ही प्यारा परिंदा हुदहुद ये जो है बैठा हुआ है, ये हम आपको विज़िट करवाते हैं करीब से। ये देखें सामने, बिल्कुल सामने हमारे हुदहुद का जो परिंदा है ये बैठे हुए हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे हैं, ये बिल्कुल सामने व्यूअर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही नयाब और बहुत ही आला नस्ल का ये परिंदा है। ये देखें हमारे आगे आगे चल रहा है। विज़िट करें आप भी ये पार्क, आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। आर फैसलाबाद का व्यूअर्स वेदर जो है ये बहुत अच्छा है। ये देखें, ये कलियों के पौधे हैं, इधर भी कलियों के पौधे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं बड़े ही नयाब, बड़े ही आला नस्ल के जो हैं, आला पाए के पौधे जो हैं इधर लगाए गए हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें आप, बड़े बड़े ऊंचाइयों पे तकरीबन 200-200 300-300 फुट के यहाँ पे जो पौधे हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें, आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्रैक है बड़ा ही आला पाए का, बड़ा ही प्यारा ट्रैक है। इसके दोनों तरफ पे जो है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि
पौधे जो हैं लगे हुए हैं रंग बिरंगे दरख्त, मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त। ये जो है सामने आम का दरख्त है, ये देखें लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए। मौसम आ चूँकि फैसलाबाद का बहुत अच्छा है, ये देखें देख सकते हैं मुख्तलिफ अकसाम के पार्क में लगाने के लिए यहाँ के PHA के मालियों की तरफ से यहाँ पे जो है मुख्तलिफ अकसाम के पौधे, मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त जो हैं उनको रखा गया है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं देवर साहब, मुख्तलिफ प्यारे प्यारे पौधे, प्यारे प्यारे दरख्त जो हैं ये देखें। बड़ा ही प्यारा पौधा, पर्पल कलर के इसके फूल हैं। ये सामने इसकी बेल है पूरी, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। ये सामने जो है बड़ा ही प्यारा पौधा, पर्पल कलर के फूल हैं इसके। ये सामने जो है चनाब क्लब की बिल्डिंग है साथ, ये देख सकते हैं बड़ा ही ऊंचाइयों पे जो है पौधा, देख सकते हैं मुख्तलिफ परिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए जो है। ये सामने जो है गुलहरियाँ घूम रही हैं, देखें व्यूअर साहब। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दीजिए, हमारा आज का व्लॉग जो है मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले व्लॉग में जो है आपको जनाब पार्क का विज़िट जो है करवाते हैं इंशाल्लाह।